शहर में आवारा पशुओं की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में आवारा पशु राहगीरों के लिए परेशानियों का सबब बने हुए हैं। इतना ही नहीं, शहर में आवारा पशुओं के कारण कई दुर्घटनाएं भी हो रही हैं। आवारा पशुओं का सबसे ज्यादा आतंक नगर निगम क्षेत्र के हल्द्वानी नैनीताल राष्ट्रीय राजमार्ग पर देखा जा रहा है, जहाँ मवेशियों के झुंड सड़कों पर खड़े दिखाई दे रहे हैं। पशुओं द्वारा सड़क पर कब्जा किए जाने के चलते सबसे ज्यादा वाहन चालकों को परेशानी का सामना उठाना पड़ रहा है, जिसके चलते सड़कों पर जाम की स्थिति बन जाती है। यही नहीं, रात के अंधेरे में भी पशुओं का झुंड सड़क पर कब्जा जमाए रहते हैं, जिससे अंधेरे में वाहन चालक पशुओं से टकरा जाते हैं, जिसके चलते कई हादसे भी हो चुके हैं। वहीं बीते दिनों कालाढूंगी क्षेत्र में एक महिला को गली से गुजर रहे सांड ने घर के बाहर ही पटक पटक कर मार डाला। महिला की मौत से उसके चार बच्चों के सिर से माँ का साया उठ गया। इस बारे में जब नगर आयुक्त पंकज उपाध्याय से कहा गया तो वह रटा रटाया जवाब देते हुए नजर आए। उनका कहना है कि आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए नगर निगम प्रयास कर रहा है। लोगों के सड़कों में कूड़ा डालने के कारण आवारा पशु सड़क पे आ जाते हैं। नगर निगम द्वारा लगातार आवारा पशुओं को पकड़ा जा रहा है, लेकिन पूरे शहर में बड़ी संख्या में घूमते दिख रहे आवारा पशु नगर आयुक्त की बात पर सवालिया निशान जरूर खड़े कर रहे हैं। नगर निगम के अधिकारी हमेशा तर्क देते हैं कि आवारा पशुओं को पकड़ने के लिए समय समय पर अभियान चलाया जाता है, लेकिन ये कितना सच है इस बात का अंदाजा सड़क में घूम रहे आवारा पशुओं को देखकर लगाया जा सकता है। सफाई व्यवस्था, अतिक्रमण हटाना और आवारा पशुओं पर नियंत्रण करना, ये सारे काम नगर निगम की मूल जिम्मेदारियों में आते हैं और नगर निगम सभी जिम्मेदारियों पर अपना लगातार काम कर रहा है। आवारा पशु और कहीं कहीं अभी कूड़े के लोग ढेर लोग डंप कर दे रहे हैं, यद्यपि हम रोज उसको उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन हमारा प्रयास है कि लोग डोर टू डोर गाड़ियों में ही अपना कूड़ा डालें। सड़कों पर अगर कूड़ा नहीं होगा तो आवारा पशुओं के लिए भी अवसर नहीं होगा। ऐसी दशा में आवारा पशु भी उन क्षेत्रों की ओर जाएंगे जहाँ उनको उनके लिए चारा मिलेगा। तो अभी कुछ जानवरों को हमने पकड़ करके जो उनके नियत स्थान पर छोड़ा है और ये अभियान भी लगातार जारी रहेगा, लेकिन समस्या है, इसके स्थायी समाधान के लिए हम काम कर रहे हैं। सर, रोडों में कहीं ना कहीं गर्मी का सीजन बढ़ा है, ऐसे में सड़कों के किनारे पर जहाँ घने पेड़ हैं, जहाँ उनकी छाया मिल रही है, वहाँ पर जानवर देखने को मिल रहे हैं। यह एक स्वाभाविक प्रवृत्ति है और जो लोग जानवर जो छोड़ दे रहे हैं लावारिस रूप में, उन पर भी कैसे नियंत्रण किया जाए, इसमें हम काम कर रहे हैं। सुचारू रूप से चल रहा है, जो हमारे आवारा कुत्ते हैं उन्हें जो बध्याकरण की श्रेणी में आते हैं उन पर कार्रवाई लगातार जारी है। आवारा पशु पकड़ने के लिए नगर निगम के पास वाहन है, कर्मचारी हैं, जहां से शिकायतें प्राप्त होती हैं, खास करके जहां ऐसे जानवर जो व्याकुल होकर के दौड़ लगा रहे हैं, ऐसे जानवरों को पकड़ करके बाहर नियत स्थान छोड़ने का काम किया जा रहा है, लेकिन उनकी संख्या ज्यादा है, उनको नियंत्रित करने के लिए काम किया जा रहा है।